भैया को भी गाइस सब्सक्राइब करना जो भी नए हैं एंड प्रेस द बेल आइकन। वैसे मैं आप इनके इसको फेसबुक पेज को मैं पहले से जानता हूँ। धन्यवाद, थैंक यू सो मच। लुची प्लास्टिक वस्तु जिस दिन घर में बन गया बस। अच्छा, माँ के हाथ का मतलब स्वाद ही कुछ स्वादी अलग है। एक समय चाय और बिस्किट स्क्वायर साइज में आता था, टीना में आता था दुकान में, पता नहीं उसका टीना में। वेलकम फैमिली, वेलकम टू न्यू एपिसोड। आज हमारे साथ झारखंड के इंडिया के फेमस यूट्यूबर मनोज दे हैं। हाय गाइस, सबसे पहले तो आप सबको मेरे तरफ से भी गुड मॉर्निंग। भैया आए हैं मिलने के लिए, कहाँ? धनबाद से आए हैं। सेम जगह से बिलोंग करते हैं। और मनोज दे, आप लोगों को, काफ़ी लोगों का सवाल था कि मनोज दे एज ए यूट्यूबर क्या पसंद है उनको, उनका फूड स्ट्रक्चर क्या है, क्या उनको पसंद है। चलिए मनोज भैया से बात करते हैं, आप लोग का फेमस मनोज भैया, मेरे मनोज भाई से बात करते हैं। तो वेलकम टू द चैनल सर। तो वैसे मैं आप इनके इसको फेसबुक पेज को मैं पहले से जानता हूँ। धन्यवाद, थैंक यू सो मच। और आपसे स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले बताइए ब्रेकफास्ट में आप क्या पसंद करते हैं? ब्रेकफास्ट में वैसे नॉर्मली मेरा ब्रेकफास्ट होता है सुबह, जैसे मम्मी कभी कभी बना देती है कचौड़ी, जैसे पूड़ी जिसको बोलते हैं बंगाली में, तो होता ही लुची, पूड़ी, लुची, कभी आलू भुजिया, कभी नॉर्मल सब्जी। अच्छा, एक्चुअली मुझे सब्जी पसंद ही नहीं है, पता नहीं बचपन से मतलब बहुत कम ही सब्जी मुझे पसंद ही नहीं। अच्छा, ठीक है। अगर लंच टाइम जैसे होता है ना, बंगाली लोगों का पोस्तो वो ज़्यादा फेवरेट होता है। पोस्तो इज पॉपी सीड। हाँ, वो मेरा भी फेवरेट। अच्छा, तो प्लास्टिक पोस्तो जिस दिन घर में बन गया बस। अच्छा, पोस्तो का बड़ा वो तो और बेस्ट है। और बचपन में जो ब्रेकफास्ट आप करते थे कचौड़ी सब्जी, अभी में कोई डिफरेंस आया? पहले मान लो ये पसंद था, अभी ये नहीं? नहीं, अभी कोई डिफरेंस, सेम चल रहा है। और फिर फॉलोड बाई लंच में क्या आप पसंद करते हैं? लंच में वही पोस्तो मेरा सबसे फेवरेट है, बाकी सब्जी जो भी बन जाए खा लेते हैं, बट मुझे पता नहीं सब्जी पसंद नहीं है। वैसे नॉन वेज में चिकन काफ़ी ज़्यादा पसंद। चिकन में स्पेसिफिक कोई डिश? चिली चिकन एक्चुअली अगर रेस्टोरेंट में खाएं तो। अच्छा, घर में जब मम्मी बनाती है तब तो नॉर्मल जो देसी चिकन हम लोग बनता है घर। हाँ, माँ के हाथ का मतलब स्वाद ही अलग है। और पॉपी सीड्स का मैं डेफिनेटली एक वीडियो डालूंगा, बहुत जो पोस्तो बोल रहे हैं मनोज भाई हमारे, पोस्तो का बड़ा, पोस्तो का सब्जी, ये बंगाली में काफ़ी फेमस है और बाकी लोग भी जानते हैं। इसके अलावा शाम के स्नैक्स में आप क्या प्रेफर करते हैं? शाम के स्नैक्स में वैसे अभी जैसे वर्कआउट तो खैर अभी कोविड की वजह से बंद है, तो शाम के टाइम में इसमें डाइट भी काफ़ी ज़्यादा मेरा चल रहा था, बट अभी कोविड में बंद हो गया, लाइक पीनट बटर, ब्राउन ब्रेड, ठीक है, बनाना, अच्छा, एग्स। जब मनोज दे एज अ फेमस यूट्यूबर नहीं था, उस समय मनोज दे का इवनिंग का डाइट क्या होता था? उस समय चाय और बिस्किट। कौन सा बिस्किट? वो एक मैरीगोल्ड जो फेवरेट है, मेरा भी फेवरेट, और एक स्क्वायर साइज में आता था जो टीना में आता था दुकान में, पता नहीं उसका नाम। टीना में क्या आता था? टीना में उसका भी नाम मैरी है कुछ तो। मैं आप कमेंट करके बताइए कि टीना में स्क्वायर शेप में आता था क्या आता था, चाय और बिस्किट मनोज दे का फेवरेट। तो रिवील हुआ दोस्तों, मनोज दे का फेवरेट चाय और बिस्किट। ये सक्सेस जो है शाम में ये चाय बिस्किट खा के फिर एडिटिंग करके ये सक्सेसफुल बने, तो आप भी वो चाय टीना वाला ढूंढिए कहाँ मिल रहा है, सबसे पहले वो ढूंढिए। और रात का डिनर में सब्जी रोटी। और अगर मैं बाहर की बात करूँ कि ये तो घर का हो गया, अगर बाहर मैं बोलूँ तो, अगर मैं मॉर्निंग से लेकर इवनिंग तक बोलूँ कि एक दिन आप बाहर हो कम्प्लीट, तो आपका मॉर्निंग से लेकर इवनिंग तक का, रात तक का कहाँ कहाँ का क्या क्या बेटर है, ताकि हम उस जगह को कवर कर पाए और आप तक पहुँचाए? तो मॉर्निंग का चाहिए, अगर मॉर्निंग में अगर हो जाए तो दो ऑप्शन आता है, एक लिट्टी या चोखा कहीं मिल जाए। अच्छा, अदरवाइज कचौड़ी जो हमारे बहुत ज़्यादा यहाँ पर स्ट्रीट में मिलता ही है, सब्जी और कचौड़ी जो बहुत ज़्यादा टेस्टी रहता है। अच्छा, मैं कभी कभी एक्चुअली मॉर्निंग में मन होता है तो वो मैं खा लेता हूँ। So, कचौड़ी मनोज दे का फेवरेट है और लिट्टी चोखा इन द मॉर्निंग टाइम। और लिट्टी चोखा पे भी मैं एक एपिसोड बनाऊंगा, क्योंकि बहुत लोग हैं जो झारखंड बिहार से नहीं है, जिन्हें पता नहीं लिट्टी चोखा क्या है, तो उनके लिए भी बनाऊंगा। और फिर आफ्टरनून में सर क्या पसंद करते हैं? आफ्टरनून में लाइक अगर रेस्टोरेंट में खाना पड़े तो बिरयानी एक ऑप्शन हो जाता है। बिरयानी इसका भी बोलने का भी फेवरेट है बिरयानी। मैं मतलब एक्चुअली मैं जो खाता हूँ उसको मैं खिलाता रहता हूँ, तो वो भी उसका अच्छा उसका भी फेवरेट बन जाता है। अच्छा अच्छा, तो मनोज दे हो गया लंच, चिकन बिरयानी पहले ही मनोज दे ने बोल दिया था, चिकन तो चिकन बिरयानी। और फिर शाम का लाइक वो चिकन का ही कोई आइटम, अदरवाइज शाम में बहुत सारा, जैसे मैं धनबाद अगर मैं कभी निकल जाता हूँ मार्केट, तो मोमोज मेरा काफ़ी ज़्यादा फेवरेट है, मैं काफ़ी ज़्यादा अपने ब्लॉग्स में बोलता भी मोमोज।
तो मोमोज चिकन मोमोज फेमस है, जो स्टीम मोमोज चिकन मोमोज फेमस है। और रात में अगर बोला जाए तो, रात में बोला जाए तो वही बटर रोटी, बटर नान, बटर नान, चिकन चिली। अच्छा, और अभी ठंड जैसे ख़त्म होगा, गर्मी का सीज़न होगा, तो ठंडे में या लस्सी हो गया, मान लो कोई ड्रिंक हो गया, कोल्ड ड्रिंक तो मैं नहीं बोलूँगा, बट कोई जूस हो गया, तो कहाँ पर्टिकुलर प्रेफर करते हैं चंबा झरिया में, किस जगह प्रेफर करते हैं? झरिया में एक है वहाँ पर प्रिंस मार्केट के बाहर पे, प्रिंस लस्सी वाला शॉप, लस्सी वाला शॉप, वो सबसे ज़्यादा टेस्टी बनाते हैं वो भैया। अच्छा, तो सबसे ज़्यादा मनोज देखो अगर गर्मी में पसंद है लस्सी, तो वो देशबंधु के सामने वाला, देशबंधु के सामने लस्सी वाला है। और इसके अलावा अगर किसी पर्टिकुलर जगह की बात करें कि जहाँ पे आप जाओ और आपको हर फूड आइटम मिल जाए, स्ट्रीट फूड, आपको कौन सा जगह होगा धनबाद या झरिया में आपके हिसाब से? धनबाद में सिटी सेंटर में सारा कुछ मिल जाता है, सिटी सेंटर में। तो मनोज देखो आप कभी भी देख सकते हैं सिटी सेंटर, अगर आपको मनोज दे से मिलना है तो आपको फूडी बनना पड़ेगा, तभी आप मनोज दे से मिल सकते हैं सिटी सेंटर में, एनी टाइम हिल भी अवेलेबल। और इसके अलावा जैसे आप इतना बिजी रहते हैं, बिजी शेड्यूल रहता है, तो अगर क्विक बाइट में बोले कि मतलब मान लो कहीं शूट पर निकलना है और बहुत जल्दी हम लोग बोलते हैं मम्मी जल्दी से ये रेडी कर दो, खा के निकलते, तो वो क्या आइटम होगा? वैसे उसमें नॉर्मली जैसे ब्रेड होता है ना, मैं मम्मी को बोलता हूँ कि थोड़ा तावा में जो ये होता है सेक करके और मिल्क। अच्छा, ब्रेड और मिल्क, तो ब्रेड और मिल्क थोड़ा सा उसमें ये टोमेटो केचप, टोमेटो केचप। तो मनोज देखा आपको ब्रेकफास्ट भी आपको पता चल गया, तो फ्रेंड्स आपको सारा कुछ पता चल गया कि मनोज का क्या क्या पसंद है। आप लोग को काफ़ी क्वेरी था कि आपके फेवरेट यूट्यूबर का डाइट क्या है, तो पता चल गया, आप फॉलो कीजिए तो आपका भी फॉलोअर बढ़ेगा, आपका भी सब्सक्राइब करना, जो भी नए हैं। थैंक यू सो मच, एंड मनोज भाई थैंक यू सो मच इतना टाइम देने के लिए और ये अपने बिजी शेड्यूल में से टाइम निकाले, थैंक यू सो मच। चलिए ठीक है, चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट एपिसोड में, टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बाय बाय।